टिफिन है जी ले तेरा टिफिन। हाँ गुड मॉर्निंग पापा, कैसे हो? बड़े प्यार से बोल रही है, एक भी पैसा ना देने वाला हूँ मैं। पापा सच्ची बता रही हूँ, यू आर टू मच। मतलब अगर 200-500 दे भी दोगे तो कौन सी आपकी पूरी दौलत लुट जाएगी। बेटा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और मेरे घड़े का तू वो छेद है जो मेरा घड़ा कभी भरने ही ना देगी। मैं ऊपर से डालता जाता हूँ तो नीचे से निकाल दी जाती है। मेरे तो भाग ही फूट गए। आंटी जी आपको कॉपी करने वाली सेल्फी। ले भाई। अरे कभी परीक्षा में पास होने वाली सेल्फी भी लेके आओ, तब मैं कह पाऊं कि मेरे तो भाग्य खुल गए। अरे फालतू आदमी, अरे चुप यार। क्या हो गया सेठ जी, हम तो बस आपके पैर छू रहे थे। अच्छा चल खुश रहे जी, मुस्कुराता रहे और मेरे काम में हाथ बटाता रहे। सेठ जी हम आपको एक कमाल की बात बताएं, आप यकीन नहीं करेंगे कि बिजली हिंदुस्तानी कल रात हमसे स्वयं मिलने आई थी। बिजली हिंदुस्तानी तुझसे मिलने आई? तू क्या चोरी पे निकला हुआ था? कैसी बातें कर रहे सेठ जी, हम क्यों चोरी करेंगे, और ना ही वो हमें पकड़ने आई थी, बस हमसे मिलने आई थी। हमें तो बड़ी अच्छी सी लगी वो सेठ जी। अच्छा क्या तेरे मुंह में वो रसगुल्ला ठूस गई थी क्या? नहीं नहीं सेठ जी, लेकिन रसगुल्ले से भी मीठी मीठी बातें छोड़ गए। सेठ जी हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि चोरों की दुश्मन ऐसे फूलों से भी ज्यादा नाजुक है। अन, इतनी ज्यादा तारीफ मत कर तू, समझ रहा है तू? सेठ जी हमें तो बड़ा ही मजा आया उनके साथ, हमारी तो अच्छी दोस्ती भी हो गई उनके साथ। अच्छा दुनिया में कोई और ना मिला तुझे दोस्ती करने के लिए? बात कर रहा है दोस्ती हो गई या गप्पे छोड़ रहा है गप्पे? अरे नहीं सेठ जी हम कोई गप्पे वप्पे नहीं छोड़ रहे हैं, सच में। अच्छा अगर ये बात है तो एक दिन तू उन्हें मेरी दुकान पे ले गया, अगर तू दुकान पे ले आया तो हर महीने तेरे तनख्वाह में 500 रुपए बढ़ा दूंगा, वरना हर महीने 500 रुपए कटौती कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं तुझे। सेठ जी हम कैसे ले आएंगे? ना डील पक्की हो गई, अब तो या तो 500 रुपए बढ़ेंगे तेरे, और ना लाया तो 500 रुपए कट हो जाएंगे। चला सेठ जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। साहब जी जब फाइल तो बिल्कुल सही है, आप चेक कर लीजिए एक बार। साहब जी बिना बात जब प्याज क्यों काट रहे हो, कल ही तो आधा किलो काट के रखा था। क्या बताए पिंकी जी, तेरे को मंगीलाल पिंकी जी ना दरअसल रोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो क्या है ना, वैसे भी तो आतंकवादियों ने पिंकी जी को रुला कर रखा हुआ है, और ये कमिश्नर साहब है कि उनका इतना प्रेशर हो रखा है पिंकी जी के ऊपर कि भाई आतंकवादियों को पकड़ो, कैसे कैसे पकड़ ले पिंकी जी यूं ही हैं। वो पकड़ेगा साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपकी नाक दूर से ही धनिया पुदीने की खुशबू में फर्क कर सकती है, तो आतंकवादियों को तो आप यूं सूंघ के पकड़ लोगे। हाँ मंगीलाल तो बिल्कुल सही कह रही है, पिंकी जी को मतलब एक सुराग भी मिल गया ना ऐसा, तो फिर तो देखिए तो पिंकी जी कैसे इन आतंकवादियों पर अपना आतंक यूं डाल देते हैं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो कहाँ दिख रही है? अरे साहब जी आप तो ऐसे बोलिए कि जैसे सुराग खुद चल के आएगा और बोलेगा कि मुझे धर लो। बम 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 मंगीलाल बम बम बम। अबे कौन हो रखा है बाहर, क्या अंदर फेंक दिया है पिंकी जी को डराने के लिए बिना मतलब? फालतू में ठीक है साहब जी है? मुझे तो लगता है ये आतंकवादियों का आदमी होगा जो वार्निंग देके गया है।
हाँ मंगीलाल तो बिल्कुल सही कह रही है, पिंकी जी को भी ऐसा ही लग रहा है। 15 अगस्त मंगीलाल पिंकी जी को लग रही है कि 15 अगस्त को कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है। इलू देख ये नहीं है कि देख नमस्कार, हम दोनों न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चोर या लुटेरे हैं तो ये आपके लिए खास खबर है। कृपया अपनी अपनी नाक पकड़ ले क्योंकि उसमें दम करने आ रही है बिजली हिंदुस्तानी। जी हाँ, बिजली हिंदुस्तानी ऐसे झटके दे रही है कि चोर चोरी किया हुआ सामान भी ब्याज समेत लौटा कर जा रहा है। अभी हाल ही में लाजपत नगर में एक टीवी चोरी हुआ था। उस टीवी को आज ही सुबह जो हमें खबर आई तो उस टीवी को वो चोर वापस रख के गया, वो भी रिमोट के साथ, और उसने कहा कि ये हमारी तरफ से तुच्छ भेंट है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड। देखो बाबले हो गए सब बिजली हिंदुस्तानी के पीछे। हाँ तो अंकल जी हमारी हमारी बिजली हिंदुस्तानी ने काम ही ऐसा किया है। देखा बेटियां ऐसे जो है अपने बाप का नाम रोशन करती हैं, और एक तुम लोगों जो ऊपर वाले से ठेका लिखा के लाइयो कि चैन से ना रहने देना है अपने घर वालों को। और अब एक खास खबर, दिल्ली के लाल किले इलाके में जो हनुमान मंदिर है वहां पे जो प्राचीन बजरंग बली की मूर्ति है जो 5 धातुओं से बनी है वो चोर उड़ा ले गए। गुप्त सूत्रों से हमें पता चला है कि बेशकीमती मूर्तियों के सौदागर आज उस बजरंग बली की मूर्ति को देश के बाहर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस मूर्ति का देश के बाहर जाना हमारे लिए शर्मनाक बात होगी। इस मूर्ति को देश से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये मूर्ति हमारे देश की आन है, बान है और शान है। और मैं चाहता हूं कि अगर ये बात बिजली हिंदुस्तानी सुन रही है तो बिजली हिंदुस्तानी आप इस मूर्ति को इस देश के बाहर जाने से बचाइए। पुलिस तो खेती करेगी, जो करेगी अब बिजली हिंदुस्तानी करेगी। मंगीलाल पिंकी जी ना बजरंग बली जी के बहुत बड़े भक्त हो रखे ऐसा पिंकी जी बोल रहे हैं, इसलिए हर मंगलवार को पिंकी जी बूंदी का प्रसाद बनाते हैं। कितनी शर्म की बात हो रखी है कि उसी बजरंग बली जी की मूर्ति जो है वो चोरी हो गई और हम अब तक कुछ ना कर पाए। मंगीलाल साहब जी आप चिंता ना करो, मैंने अपने सारे खबरी ना चारों तरफ फैला रखे हैं, कोई ना कोई खबर तो मिल ही जाएगी। हेलो खादी लघु उद्योग भवन मतलब चांदनी चौक पुलिस थाने से पिंकी जी बोल रहे हैं। कौन? खजूर पांडे? हाँ खजूर बोल। मंगी से बात करवाओ। हाँ मंगीलाल ये ले तू बात कर ले। खजूर पांडे? हाँ खजूर। अच्छा पक्की खबर? हाँ हाँ ठीक है भाई ठीक है। साहब जी गुड न्यूज। क्या? ये खजूर पांडे मेरा खास खबरीलाल है, इसने बताया कि बजरंग बली की मूर्ति ना 1 घंटे के अंदर किसी विदेशी को बेची जाएगी, अपना पुल है ना सर उसके नीचे। अगर खबर पक्की है तो ठीक है, चल जाके उन्हें अभी पकड़ते चल। मंगीलाल तुमने सुना पिंकी जी ने क्या कहा? चलेगा या यहीं खड़ा रहेगा? पिंकी जी पूछ रहे। साहब जी सिर्फ हम दोनों मतलब कुछ बैकअप सपोर्ट तो चाहिए ना सर, ऐसे कैसे? देख मंगीलाल बैकअप आए या ना आए ये मामला हमारे देश की मूर्ति का है और वो भी बजरंग बली जी की मूर्ति का है। मंगीलाल पिंकी जी उस मूर्ति को किसी और के हाथ ना लगने देंगे, आज चाहे पिंकी जी की जान क्यों ना चली जाए, लेकिन उस चोर को पिंकी जी पकड़ के रहेंगे। हाँ क्या देख रहे हैं तू, चलेगा कि नहीं? एक मिनट साहब जी
बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे यार ये आदमी ना किए कराए पे पानी फेरता, चल। सर दिस इज हनुमान जी की मूर्ति, वेरी फेमस गॉड, दिस इज ओल्ड एंड स्पेशल मूर्ति। Oh, what the hell are you talking about, man? This is just an antique statue. Aur main isko international market mein crores mein bechunga. You understand that? Whoa, whoa, whoa! Chamatkar! This murti flying! Oh my, my! No! Sorry, I'm really sorry. Please don't beat me. Please. लगता है हनुमान जी नाराज हो गए हैं। My God, what are you doing, man? बोलो, बजरंग बली की जय। बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। तू भी बोल। बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली माय फादर। भगवान की जय। तो आज आया तू पिंकी जी के हाथों मूर्ति चोर, देखा तूने हमारे बजरंग बली जी का प्रकोप। दरोगा पिंकी, इस फिरंगी के साथ ये हिंदुस्तानी भी मिला हुआ है, इसे भी गिरफ्तार कर लो। यूके, ये आवाज कहां से आ रही है? ये मैं बोल रही हूं, पिछली हिंदुस्तानी। बिजली जी, और ये हम पिंकी जी बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है बिजली जी कि आप जो है ना वो पुलिस के लिए एकदम संजीवनी हो रखे हो, आपको ग्रैंड सलूट। मेरा नाम है बिजली हिंदुस्तानी और मैं हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। जय हो बजरंग बली जी। मंगीलाल बोल बे। मैंने कहा बोलिए सर। मंगीलाल, इन दोनों चोरों को लेके चल थाने। जी जी चल बे मूर्ति चोर बजरंगी चल। जय हो बजरंग बली जी। वाह क्या बात है। ऐश कर, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। जय हो प्रभु, जय हो। बस बस इधर। इडियट, जब तुझे पता है कि इस कान से कुछ सुनाई नहीं देता तो तू इसी कान में आके क्यों फुसफुसाता है? हाँ, इसमें आके बोल। बिजली हिंदुस्तानी, गरीबों की मसीहा है? क्यों बे प्रोफेसर, जानता है बिजली हिंदुस्तानी कौन है? नहीं। झूठ नहीं बोलना प्रोफेसर। आई एम कोबरा, आई एम वाइट कोबरा, ब्लैक वही तो है जो गायब होकर लोगों की मदद कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा फार्मूला उस लड़की के पास है, यानी बिजली हिंदुस्तानी के पास है। पता करो कौन है वो। इसका मिलना हमारे 15 अगस्त के प्लान की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। पता करो।
पंचम जी, बिल्ली जी, आप हैं कहाँ? एकदम आपके दिल के करीब। जी जी, आपके बगल में बैठी हुई हूँ। वैसे तो हमें लगा था कि अब तक आप हमारी आहट पहचानते होंगे। जी वो दरअसल क्या है कि हमें सिर्फ इलायची जी की आहट की आदत है, उन्हें यहाँ पर अक्सर आना पसंद है, काफी पसंद करती हैं इस जगह को। वो अलग बात है कि हमें सिर्फ परेशान करने के लिए, पर आप तो पूरी दुनिया को बचाने के लिए निकलती हैं। हाँ अब इतनी भी खास नहीं हूं मैं। नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं, आप बहुत खास हैं, और बल्कि हमें आपकी आवाज सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आप बहुत खूबसूरत भी हैं बिजली जी। जीजा जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे बिजली बनते ही आप काले बादल बन जाएंगे और मेरे आसपास मंडराने लगेंगे। यार ये तो टू मच ही हो गया, मतलब आपको भी बिजली यानी मुझसे प्यार हो ही गया। बिजली जी, आप हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल जी। तो आप बिजली जी, वो एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। दरअसल वो क्या है ना कि हमारे जो सेठ जी है ना, वो बड़े अलग टाइप के आदमी है, वो थोड़े चूसू टाइप हैं, और वो क्या है कि हमने उन्हें बताया कि हम आपको जानते हैं, तो वो हम पर जोर जोर से हंसने लग गए, और उसके बाद अब मतलब इतना बार बार बताने के बावजूद उन्हें ये लग रहा था कि हम उनसे झूठ बोल रहे, वो माने ही नहीं। पापा को कन्विंस करना ना मुश्किल है। मेरा मतलब है आपके सेठ जी किसी के पापा तो होंगे जी। और आजकल के पापाओं को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बिजली जी, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप हमारी दुकान पर एक बार ही हमारे सेठ जी से मिलने आ जाती ना तो मजा आ जाता। वो क्या कि अगर आप नहीं आएंगी ना तो वो हमारी तनख्वाह से 500 रुपए काट लेंगे, और 500 रुपए इस महंगाई के जमाने में कट जाए ना बिजली जी तो बैंड बच जाती है। पंचम जी, आप बेहद क्यूट है। धन्यवाद। और आपकी क्यूटनेस को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सेठ जी से मिलने जरूर आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी कैसी शर्त? शर्त ये है कि आपको एक प्यारा सा गाना सुनाना पड़ेगा, मस्त सा। बिल्कुल बिल्कुल बिजली जी, हम तो संगीतकार हैं और आपके लिए जरूर गाना गाएंगे, प्लीज आप ज्वाइन करिए प्लीज। जी बिल्कुल जी। सेठ जी, वो हम बिजली हिंदुस्तानी जी का इंतजार कर रहे थे, बस उन्हीं की राह देख रहे थे। अच्छा, जो दुनिया में किसी को ना दिखाई दे रही है वो तुझे दिखाई देती है जी। अबे सन, 500 रुपए कटवाने के लिए तैयार हो जा अपनी तनख्वाह में से, वो ना आने वाली। 500 रुपए हमारी तनख्वाह से? सेठ जी हम कह रहे ना, हम उन्हें जानते हैं, हमने उन्हें बुलाया है, वो आएंगी बिजली हिंदुस्तानी जी आएंगी। रिश्ते में तो तेरी मामी लगती है जो तुझसे कह रही थी, और यहाँ आते ही मुझसे पूछेगी, हेलो मिस्टर बंसल, हाउ डू यू डू। हेलो मिस्टर बंसल, हाउ डू यू डू।